नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम जयराम ठाकुर पहुंचे वाराणसी, उपचुनाव के बाद पहली बार पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी ने किया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। कार्यक्रम में 12 राज्यों के सीएम, 9 डिप्टी सीएम ने की शिरकत। राधा कृष्ण मंदिर को दिखाया लाइव प्रसारण। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने किया हंगामा। सदन के करुणामूलक आश्रितों की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने दी अनुमति। पर्यटन सीजन में जाम की समस्या से निपटने के लिए शिमला पुलिस तैयार। शहर में लगाएंगी 4 रिजर्व बटालियन। बर्फ की चाह में देश विदेश से शिमला आते हैं पर्यटक। और HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में यात्रियों को लगी मामूली चोटें। स्थानीय लोगों ने की यात्रियों की मदद। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। उपचुनाव में मिली करारी शिरकत के बाद आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि हार के पिछले महंगाई के कारण बताने के बयान से केंद्र सरकार की किरकिरी के बाद उनकी यह मुलाकात बेहद अहम रहेगी। सीएम ने यहां पहले दिव्य काशी भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सभी NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री 2022 में होने वाले हिमाचल समेत 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले सीएम ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की है। साथ ही इस दौरान अधिकारियों ने सीएम को बीते 4 साल में इन कार्यक्रमों के तहत हुई प्रगति के अवगत कराया है। इस बैठक में जा रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें पूरा समय इस बैठक में रहने वाले हैं। वैसे चीफ मिनिस्टर काउंसिल की ये बैठक हर साल होती रही है लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण इसका होना संभव नहीं हो पाया था शायद। तो अभी ये बैठक है तो पूरे प्रदेश के सारे मसलों को लेकर के बहुत डिटेल में बातचीत होती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन होता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन इसमें होता है। तो उम्मीद करता हूं अच्छा रहेगा और पूरा ये विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र जो धर्मशाला का 15 तारीख को समाप्त हो जाएगा, अगर समय पर हम वहां फ्री हो जाएंगे 15 तारीख को तो मैं कोशिश करूंगा पहुंचने की। अगर हम देर हो जाएंगे बैठक में तो फिर विंटर प्रवास के दौरान जो है शीतकालीन प्रवास जो हमारा धर्मशाला होगा उस दौरान आप सबसे मिलेगा। प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट जो है वो देश को समर्पित किए हैं और आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन होने जा रहा है उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई देता हूं। और स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश अब चुनाव के दौर में भी जा रहा है तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि कायाकल्प हो गई उत्तर प्रदेश की। राम मंदिर का निर्माण वहां पर हो रहा है और उसके साथ साथ में डेवलपमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में हुए हैं। अभी रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन जो देश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम और 9 डिप्टी सीएम वाराणसी पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर में 51,000 स्थानों पर स्क्रीन पर दिखाया गया है। वहीं शिमला के राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी स्क्रीन पर कार्यक्रम दिखाया गया है। आज का जो ये दिन है हम सब के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, आज ये जो दिन 13 दिसंबर का शिव की जटाओं से निकली माँ गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ का जो वहां का मंदिर का जो पुनरुद्वार राजश्री प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, क्योंकि काशी बहुत प्राचीन नगरी है, इसका
विवरण हमें उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, वेदों में इसका जिक्र होता था। तो जैसे ही 2014 में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी ने काशी में आए तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उसको चरितार्थ देखते हुए आज आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व हमारी संस्कृति को आज के इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से, मुझे लगता है कि आज तक का सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम शायद पहले। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस दौरान नियम आपको बता दें कि 67 के तहत सदन के करुणा मूलक आश्रितों भारतीय और को लेकर स्थगित प्रस्ताव लाया गया और इस दौरान भर्तियों को लेकर भी स्थगित प्रस्ताव लाया गया है। साथ ही इस दौरान चर्चाओं पर मांग की गई है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और सदन के बीच में नारेबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। इस दौरान नियम 67 के तहत सदन में करुणा मूलक आश्रितों भर्तियों को लेकर स्थगित प्रस्ताव लाया गया और चर्चा की मांग की गई है। 5 दिनों के सेशन में जो विपक्षी दल है उनके सामने जो है उन्होंने लोगों को भी उत्तर देना है। जो भूमिका हमारे को लोगों ने दी है उसके मुताबिक हमने महत्वपूर्ण विषय जो है वो विधानसभा में प्रजातांत्रिक ढंग से हमने उठाने हैं। लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि दिन थोड़े हैं, मुद्दे ज्यादा हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव हारी है, पार्लियामेंट का चुनाव हारी, बाई इलेक्शन 3 हार गए, उससे जो है वो बौखला बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और आज हो रहा है कि उन्होंने ऐसे फैसले कर लिए कि अब आने वाले दिनों में 50,000 जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्स पे इस कंपनी के माध्यम से रखे जाएंगे। 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री भाग गए तो उनको सदन को विश्वास में लेना चाहिए था। ऐसे भी तो यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं कि जी हाँ ये विषय महत्वपूर्ण है, सदन चला है तो वो हमारे को बताना चाहिए सदन को। तो मुख्यमंत्री ने इतना भी नहीं सोचा कि सदन आपने बुलाया है, 5 सिटिंग्स हैं, 3 सिटिंग्स के लिए आप विधानसभा छोड़ के आप जा रहे हैं तो सदन को आपको विश्वास में लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। ये डर है, मैं कहूंगा ये डर, ये जो चुनाव का नतीजा आया उसके डर के माध्यम से चुपके वहां पे अब मत्था मुत्था टेकने कहीं चले गए। दिल्ली वालों को भी मत्था टेकेंगे और भी टेकेंगे तो चलता है। होते हुए भी भर लूपे थे तो 5 के 5 दिन किसी सेशन में जो टोटल सेशन है, इसका मतलब धर्मशाला की इस विधानसभा में मुख्यमंत्री की कोई दिलचस्पी नहीं है। आप इसको असेंबली नहीं मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि ठीक है औपचारिकता है। ये हम लोग बड़े सीरियसली यहाँ पे आए थे और हम सोचते थे कि यहाँ पे बिजनेस होगा और पता लगा काशी चले गए पवित्र होने के लिए। अब बाकी मंत्रियों को भी ले जाते, सबका एक बराबर हाल था। तो ये क्या क्या ये स्थिति बनी है। तो हमने कहा था कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, रोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए और चोर दरवाजे पे भर्तियां की करने का प्रयास हो रहा है। हम इनको कह रहे हैं कि भाई आपने हरियाणा में देखा चौटाला जी कितने साल जेल में अंदर लगा के आए हैं। पिछले 4 महीने से मिड डे मील वर्कर को मानदेय नहीं मिला है, जिसके विधायक इस दौरान राकेश सिन्हा ने सदन में नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर मिड डे मील वर्कर को 4 महीने से दौरान मानदेय ना दिए जाने का मुद्दा उठाया और मानदेय को बहाल करने और भविष्य में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने को लेकर इसके लिए सरकार से जवाब मांगा है। मिड डे मील जो वर्कर्स हैं बीच में कुछ समय उनकी जो सैलरी वो रुकी थी और उसमें एक कारण ये भी रहा कि कुछ कारणों से भारत सरकार से जो धनराशि प्राप्त होनी थी वो पहुंच नहीं पाई थी। लेकिन उसके बाद हमने ये कि 27/11/2021 को अब जो पिछले 4 महीने की जो सैलरी थी वो हमने उसका प्रावधान कर दिया है और अब 4 महीने की सैलरी उनको मिल गई है और आगामी समय में भी कोई उन्हें किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी ना रहे जिससे उनका।
हिमाचल बचाओ संघर्ष समिति मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि कंगना रनौत द्वारा दिया गया बयान सही बताया है। इस दौरान महात्मा गांधी के चरखे से देश को आजादी नहीं मिली है। आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर दिया गया बयान भी सही शिवसेना द्वारा उनका कहा गया है। पत्रकार वार्ता करना पड़ी, हमारा मुख्य मुद्दा था कंगना रनौत जी का, क्योंकि इस वक्त कंगना रनौत जी जो जिस तरीके से इसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो बॉम्बे से हों या चाहे और पूरे देश से हों, ये हमले अपने आप में गलत हैं। क्योंकि कंगना तो एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, और साथ में जो उन्होंने बयान दिए भी हैं, जैसे उन्होंने कहा कि गांधी जी ने आजादी हमें नहीं दिलवाई, या देशमुख के बारे में उन्होंने जो बातें कही, और फिल्म इंडस्ट्री में मैं भी 3 साल रहा हूं, आरके स्टूडियो, हिमालय स्टूडियो, साइन, बांद्रा, कोलाबा, चर्च गेट, आपका भिंडी बाजार, रवि स्टेशन, सारे हमारे घूमे हुए हैं, तो हमने खुद देखा है इंडस्ट्री में कि जितना वहां जो कास्टिंग काउच जितना ज्यादा है, पूछो मत आप, किस तरह से पैर दिया जाता है वो हमें पता है। राजधानी शिमला में विंटर सीजन के दौरान बर्फ देखने की चाह लिए और नया साल मनाने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में शहर में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए यहां काफी पर्यटक देखने को मिलता है। सही कह रहे हैं, विंटर सीजन इज अ चैलेंज बिकॉज हिमाचल शिमला टूरिस्ट बहुत ही एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसमें हमने पुलिस हेडक्वार्टर्स को रिक्वेस्ट किया था और एक्स्ट्रा मैनपावर जो है 4 रिजर्व्स हमें मिल गई है। शिमला जिले के रोहड़ से रिंकाग पीओ जाने वाली हिमाचल पथ परिवहन विभाग की बस आज सुबह समरकोट के नजदीक सेड़ी नाला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।